चार्ज फ्लोन थ्रू अ क्वाइल ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स। वो कह रहे हैं फिर से एक बार रिंग लो, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करो, ईएमएफ जनरेट होगी, करंट जनरेट होगा, करंट होगा तो वायर में चार्ज घूमेगा, तो चार्ज कितना फ्लो हुआ ये बता दो। ये बताओ एक रिंग में ईएमएफ होगी क्या, डी फाई बाई डी टी। रिंग में करंट क्या होगा, ईएमएफ बाय उसकी रेजिस्टेंस, तो ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस। करंट क्या होता है, डी क्यू बाय डी टी, डी टी डी टी कैंसल, तो चार्ज की वैल्यू आ गई कि जब स्मॉल चेंज इन फ्लक्स डी फाई तो स्मॉल चार्ज डी क्यू फ्लो करेगा। टोटल चार्ज निकालने के लिए दोनों साइड्स की इंटीग्रेशन, तो टोटल चार्ज डेल्टा क्यू जो फ्लो करेगा 1/r टाइम्स डेल्टा फाई टोटल चेंज इन फ्लक्स के इक्वल होगा। तो ये चार्ज फ्लोन का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जब टोटल चार्ज कितना फ्लो करेगा 1/r टाइम्स टोटल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैं करके दिखाता हूँ कैसे। जैसे ये रहा आपके पास एक लूप है, इस लूप को आपने 180 घुमा दिया, इज रोटेटेड बाय 180, इसकी रेजिस्टेंस आर है, कितना चार्ज फ्लो करेगा जब ये लूप घूम जाएगी 180, ये क्वेश्चन है। तो ये बताओ कि मान लो बी और एरिया में अभी एंगल जीरो है, जब ये बिल्कुल पलट जाएगी तो बी और एरिया में एंगल 180 हो जाएगा, तो इनिशियल फ्लक्स क्या होगा, बी इंटू एरिया इंटू कॉस जीरो, फाइनल क्या होगा, बी इंटू एरिया इंटू कॉस 180। चेंज इन फ्लक्स क्या होगा, क्योंकि चार्ज क्या होता है, चेंज इन फ्लक्स बाय रेजिस्टेंस, चेंज इन फ्लक्स क्या होगा, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स, मैग्नीट्यूड ले लेना प्लीज। तो चेंज इन फ्लक्स आ गया, इसको रेजिस्टेंस से डिवाइड किया तो किसकी वैल्यू आ गई, चार्ज की वैल्यू आ गई। क्लियर है यहाँ तक कि कैसी प्रॉब्लम आएंगी, कुछ नहीं करना, चेंज इन फ्लक्स को आर से डिवाइड करेंगे तो सीधा चार्ज आ जाएगा। ये प्रॉब्लम है, एक वायर में रेडियस आर है और एक रिंग रोल करती हुई जा रही है विद ओमेगा, प्योर रोलिंग है, तो आपको पी और क्यू के बीच में मोशनल ईएमएफ बतानी है क्या होगी। जब कोई भी कर्व वायर है सीधी नहीं है, क्या रूल है, सीधा इनको ज्वाइन कर दो, क्यू और पी को ज्वाइन कर दो, ज्वाइन करोगे तो ऐसी रॉड दिखेगी आपको, क्यू और पी ये दिखेगा। क्लियर है यहाँ तक। और सेंटर ऑफ मास रोटेशनल मोशन प्योर रोलिंग में मूव करता है विद द वेलोसिटी ऑफ वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो इमेजिन करो टोटल रॉड की लेंथ 2r है, डायमीटर, वेलोसिटी कितनी है आर ओमेगा, आर ओमेगा, तो इसमें ईएमएफ क्या लगेगा, बीएलवी। ठीक है, तो यहां पर क्या लगेगा, ये बी है, यहां पर लेंथ कितनी है इसकी 2r और वेलोसिटी कितनी है इसमें आर ओमेगा, तो बीएलवी का फॉर्मूला लगाओ आंसर। तो कोई रिंग का चक्कर ही नहीं है, बस सीधी रॉड लगाओ आंसर। मोशनल ईएमएफ या इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसे निकलेगी, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल में बी कैसे है, बोर्ड के इनसाइड, थंब कैसे है, मोशन ऑफ अ कंडक्टर, करंट कहां पर है, ऊपर। अब जब करंट ऊपर है तो पी का कौन सा पोटेंशियल होगा, नेगेटिव, और क्यू का कौन सा पोटेंशियल होगा, पॉजिटिव।